स्पूल या रील मैग्नेट बनाए खातिर आपके इंसुलेटेड कॉपर वायर लगी, प्लम्बर वाला सीलिंग टेप लगी, पतील डंठी लगी, एलईडी लाइट, पेपर क्लिप और आम सामग्री लगी। अपने के ताकतवर नियोबडिनम मैग्नेट भी लगी। पहले प्लम्बर का टेफलॉन वाला सीलिंग टेप का रील ले लें, और अगर खाली हवे तो ठीक हवे, नहीं तो ओकर पूरा पट्टी निकाल लें और ओकर रील एकदम खाली कर लें। ये रील अपने के इस्तेमाल हुई। अभी खाली रील लेके एपर आप लोग इंसुलेटेड कॉपर वायर का 800 बार घेरा बना लें, 800 टन्स पर मार लें। ध्यान दें कि ई तार 35 गेज को होके 800 बार लपेटले के बाद ओकर तार का दोनों छोर के ब्लेड से खरोच लें, ताकि अपने के चमकत भइल तांबा या कॉपर दिखे। तार चमकैले के बाद ओकरे दोनों छोर पे एलईडी के बल्ब लगा लें। आप लोग देख सके नीचा के तरह आप अपन सर्किट कंप्लीट हवे। अब एगो पतील डंठी लेके ओमे रबर का एगो टुकड़ा डाल लें, और वो रबर का टुकड़ा के दोनों छोर पे अपन ताकतवर नियोबडिनम मैग्नेट चिपका लें। आप लोग देख सके नीचा के तरह ऐसा कैले के बाद पतील डंठी के दोनों छोर पे अपन खाली रिफिल या स्ट्रॉ लगा ले, ये अपन बेरिंग के जैसन काम करी। अब अपन सील का पट्टी वाला जोन कवर हुए ओकरे दोनों छोर पे पेपर क्लिप के टेप से लगा ले, ऐसा लगाए कि ओकरे अंदर अपन मैग्नेट वाला डंटी अच्छा से बैठ सके। ओकरे बाद अपन मैग्नेट वाला डंटी ओकरे अंदर डाल लें, ताकि रिफिल वाला वो पेपर क्लिप के अंदर बेरिंग के जैसन बैठ जाए। आप लोग देख सके नीचा के तरह ये असेंबली कैले के बाद तनिसा ओके घुमा के देख लें, चेक कर लें कि अच्छा से एकदम घूमेला। ऐसा कैले के बाद अब अपन सफ़ेद वाला मैग्नेट वाला असेंबली लेके अपने कॉइल के ऊपर वाला असेंबली लाल असेंबली के ऊपर डाल ले। ऐसा कैले के बाद अब अपन सर्किट पूरा कंप्लीट हवे, तैयार हवे एकदम। ऐसा कैले के बाद अब एक हाथ में उठा लें और पतील डंडी के अपने उंगली से घुमाएं। आप लोग देख सकें जाके ऐसा घुमाइले पे एगो चुंबकीय फील्ड तैयार हो जाएगा चुंबक के वजह से घुमत भइल, जिकरे वजह से एगो इलेक्ट्रिक करंट अपने तार में जम पैदा हो जाएगा और वो एलईडी बल्ब के जलाएला। आप लोग देख सके नहीं जाए कै तरह काम करे। तबे बच्चन ऐसे बहुत अच्छा से खेले ना।